मुंबई में आज 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन हो रहा है। अब COVID-19 के नियमों का सख्ती से पालन तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे समुद्र प्रदूषित ना हो। सड़कों पर हमें एक नई चीज़ देखने को मिली है और वो ये कि मेकशिफ्ट यहाँ पर मूविंग ट्रक्स हैं, यानी जिसमें आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए गए हैं। आखिर ये क्या चीज़ हैं? फिरते कृत्रिम तालाब जिन्हें कहा गया है, आखिर ये क्या हैं? चलिए ये आपको दिखाते हैं। इस ट्रक के अंदर एक छोटा पॉन्ड बनाया गया है। यहाँ देखिए, उस छोर में अगर आप देखें तो गणपति बप्पा की एक छोटी सी मूर्त भी है जिसको विसर्जित कर दिया गया है। बीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने शहर के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके के ट्रक्स को स्टेशन किया है, जिसके भीतर ये आर्टिफिशियल छोटे पॉन्ड्स बना दिए गए हैं विसर्जन के लिए। यानी सीधा सीधा मतलब है, आसपास जितनी भी हाई राइजेस हैं और जिन्होंने अपने घरों में गणपति स्थापित किए हैं, उन्हें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बस अपने घरों के नीचे ही इन ट्रक्स को देख सकते हैं और यहाँ पर विसर्जन कर सकते हैं। अब बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर के अलग अलग बड़े बड़े मैदानों में जहाँ पर आर्टिफिशियल पॉन्ड्स तैयार किए हैं, साथ ही साथ इस तरीके के आर्टिफिशियल मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स यानी मूविंग ट्रक्स का भी इंतजाम किया है। बीएमसी के कुछ अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, चलिए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, लोगों का रिस्पांस कैसा है? खुश है, बहुत अच्छा रिस्पांस है, खुश है। दूसरी बात मुझे बताइए, क्या लोग बाग COVID-19 के नियमों का पालन कर रहे हैं, मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं? जी हाँ, बहुत बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और जो ये रिस्पांस इसको कैसा मिल रहा है, ये आर्टिफिशियल पॉन्ड्स हैं, लोगों को कैसे पता लगता है आखिर कि इस इलाके में ये इस तरीके का ट्रक है? हम लोग यहाँ पे व्हाट्सएप पे ग्रुप सब बनाए हुए या लोकल लोग, उनको हम मैसेज कर देते हैं और जो कार्यकर्ता लोग है पार्टी के उनको भी मैसेज देते हैं, वो लोग बराबर सब लोग यहाँ लेके आते हैं। तो बीएमसी की ये जो पहल है काफी सराहनीय है, ये तो कहना ही पड़ेगा। और अब मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए गणेश उत्सव साल का सबसे बड़ा त्यौहार है। आप सबने देखा ही होगा, गणपति के दौरान जब विसर्जन होता है तो मुंबई की सड़कों पर हजारों लाखों की संख्या में लोग बाग आते हैं गणपति बप्पा को विदाई देने के लिए। लेकिन इस बार कोविड पैंडेमिक का खतरा अभी भी बना हुआ है, इसीलिए राज्य सरकार ने पहले तो कहा है कि COVID-19 के नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दूसरा, सरकार ने कहा है कि गणपति बप्पा का प्रोसेशन सड़कों पर नहीं निकाला जा सकता। तीसरी बात, बीएमसी ने भक्तगणों की सुविधा के लिए अलग अलग मैदानों में आर्टिफिशियल पॉन्ड्स भी बनाए हैं। और देखिए, यहाँ पर सड़क के अलग अलग कोनों पर, कई इलाकों पर यहाँ पर इस तरीके के मूविंग ट्रक्स हैं जिनके अंदर ही आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना दिए गए हैं। तमाम जितने स्काइस हाई राइजेस में लोग रहते हैं वो यहाँ पर आके इनका इन सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।